आईपीएल ट्रॉफी 23 के काफी सारे मुकाबले बीत चुके हैं और गाइस अब जो गाड़ी है वो प्लेऑफ्स के रेस के लिए भागने स्टार्ट कर दी है। काफी सारी टीमें काफी ज्यादा आगे निकल गई हैं, लेकिन काफी सारी जो टीमें हैं अभी भी उनको यहाँ पे जीत की दरकार है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जितनी सभी टीमें हैं उनके आखिर परसेंटेज क्या है क्वालिफिकेशन सिनेरियो के। हाँ गाइस पूरे परसेंटेज के बारे में हम जानेंगे कि कौन से टीम के पास कितने परसेंटेज चांस है और उनको क्वालिफाई करने के लिए कितना यहाँ पे मुकाबले जीतने होंगे, सब चीज बताऊंगा। पूरा वीडियो अभी के लेके पूरा इंटरनेट देखिएगा और इस वीडियो में आपको गिव अवे के बारे में पता चलेगा। सो गाइस वीडियो का पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाइस चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि गिव अवे के पार्टिसिपेशन के लिए आपको चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे गिव अवे हमारा जीता था और इनके पास जर्सी जा पहुंची है और अगला नंबर हो सकता है आपका भी रहे। और जितने लोग हमारे विनर हैं उन्हें लगातार जर्सी जा रही है और धीरे धीरे करके जितने भी लोग के पास पहुंचेगी हम पिक्चर्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो गाइस फाइनली अपने वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले हम नीचे की टीमों से बात करेंगे और गाइस यहाँ पे जो 10वें नंबर पे टीम आती है वो आती है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं, 6 हारे हैं। तो गाइस अगर बात करिए तो दिल्ली कैपिटल्स के अभी जो मुकाबले बचे हैं इस बार के वो 5 मुकाबले बचे हैं और अगर इन्हें क्वालिफाई करना है तो इन्हें 5 में से 5 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, क्योंकि इनका जो नेट रन रेट है वो भी काफी ज्यादा फिसड्डी है। तो इन्हें सभी मुकाबले जीतने पड़ेंगे और इनके जो परसेंटेज है पहुंचने में वो मात्र 4% है। सो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं अगले टीम के बारे में और ये है सनराइजर्स हैदराबाद। हाँ गाइस सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं, 6 हारे हैं और गाइस इनके भी वही कंडीशन है, बचे हुए सभी मुकाबले अपने जीतने होंगे और इनको जो पहुंचने के चांसेस हैं वो मात्र 3% है। सो गाइस फाइनली में बात करने वाले हैं नंबर 8 पे, तो नंबर 8 पे यहाँ पे केकेआर है, 10 मुकाबले खेले हैं, 4 जीते हैं, 6 हारे हैं, यानी कि इनको जो अगर पहुंचना है तो इनके बचे हुए जो भी 4 मुकाबले हैं इन्हें 4 में से 4 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, वो भी बढ़िया मार्जिन से जीतने पड़ेंगे तभी इनका कुछ हो सकता है, क्योंकि तब जाके 16 अंक पे पहुंचेंगे और गाइस इनके जो पहुंचने के चांसेस है वो मात्र 9% है। तो भाई फाइनल में बात करने वाले हैं उसके बाद जो टीम आती है वो है मुंबई इंडियंस। हाँ भाई मुंबई इंडियंस की बात करें तो 9 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और इनका नेट रन रेट भी अभी तक कोई अच्छा खासा है नहीं और इनके जो बचे हुए जितने मुकाबले हैं उनमें से इन्हें 3 मुकाबले जीतने हैं, यानी कि 5 मुकाबले बचे हैं, 3 मुकाबले जीतने हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है 3 नहीं 4 मुकाबले जीतने की जरूरत है, क्योंकि इनके जो चांसेस हैं वो भी नेट रन रेट इनका धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर इनके परसेंटेज की बात करें तो ये 27% है। हाँ गाइस 27% चांस है इनको पहुंचने के। उसके बाद फाइनली बात की जाए यहाँ पे जो अगली टीम आती है उसका नाम है पंजाब किंग्स। हाँ गाइस पंजाब किंग्स की बात करें तो 10 मुकाबले बचे हैं, 5 जीते हैं, 5 हारे हैं और गाइस इनके जो बचे हुए 4 मुकाबले हैं वहां पे इन्हें 3 मुकाबले जीतने की जरूरत है, 4 में से 3 मुकाबले जीतने की जरूरत है और गाइस इनके जो पहुंचने के चांसेस हैं वो 30% है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं अगले टीम के बारे में, लेकिन गाइस उसके पहले हम लोग बात करेंगे रियल इलेवन की। हाँ गाइस रियल इलेवन के बारे में बात कर लिया जाए क्योंकि इस टाइम जो चांसेस है यहाँ पे आपको फैंटेसी इलेवन पे विन करने काफी ज्यादा है, क्योंकि गाइस कमीशन आप देख पा रहे होंगे दूसरे ऐप के और यहाँ पे अगर कंपेरिजन कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपके जीतने के चांसेस है और पैसे भी कम लग रहे हैं, जीतने के चांसेस भी ज्यादा है और बढ़िया प्लेटफॉर्म है। उसके बाद फाइनली बात कर लिया जाए अगले चीज के बारे में तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। हाँ ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं, कौन कितना रन बनाएगा, आज हार्दिक पांड्या कितना रन बनाएंगे, शुभमन गिल कितना बनाएंगे, सिर्फ ट्रेड करिए पैसा कमाइए और गाइस ओपिनियन का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि गाइस ओपिनियन अगर आप यहाँ पे आप देते हैं तो यहाँ पे आप लखपति भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे काफी बेहतर चीज चली है, काफी अच्छा है, कंपटीशन काफी लेस है, कैसी टीम बनानी वो मैं आपको आगे बताऊंगा और एक ऐप है 3 फीचर यहाँ पे दिए हुए तो ऐसे आपको किसी ऐप में नहीं मिलता, फटाफट से जाइए रिया जाऊँ जो डाउनलोड करिएगा। तो गाइस फाइनली में बात करने वाले अगले चीज के बारे में और गाइस यहाँ पे जो अगली टीम आती है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी ने अपने खेले गए 9 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और इनके जो अभी जो फिलहाल जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा ही माइनस में है और 10 पॉइंट इनके हैं और गाइस अगर इनके परसेंटेज की बात करें तो इनके पास 37% चांस है कि ये क्वालिफाई करते हुए नजर आने वाले हैं। तो गाइस फाइनल हमारी जो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है वो नंबर टॉप 4 के लिए स्टार्ट हो चुकी है और गाइस उसके बाद जो टीम आती है वो है राजस्थान रॉयल्स। गाइस राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक 9 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और इनका जो नेट रन रेट है वो काफी ज्यादा बढ़िया है,
और यहाँ पे 10 पॉइंट इनके हैं। और गाइस अगर इनके परसेंटेज की बात कर ले, इनके काफी अच्छे खासे परसेंटेज है पहुंचने के, और गाइस इनके पास 62% क्वालिफाई करने के लिए। तो गाइस फाइनली बात करने वाले नंबर 3 पे जो टीम आती है चेन्नई सुपर किंग्स है। 10 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं और 1 व्हाइट वॉश हुआ है, यानी कि 22 को ये फिर धुला है। और उसके बाद इनके पास 11 पॉइंट है। और गाइस इनके जो बचे मुकाबले हैं वहां पे 3 मुकाबले अगर जीत जाते हैं तो ये आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। और गाइस चेन्नई को जो पहुंचने के चांसेस है वो 65% चांस है। तो भाई फाइनली बात की है नंबर दो पे जो टीम आती है वो लखनऊ सुपर जायंट्स है। 10 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं। अब इनका जो नेट रन है वो +0.6 का है, 11 पॉइंट इनके भी है। और गाइस इनके पास जो पहुंचने के चांसेस है वो है 79%। अगर 79% चांस अगर ये अपने से अब यहाँ पे गलती करेंगे तभी ये बाहर होंगे, नहीं तो ये ऑलरेडी बाहर होते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। तो गाइस फाइनली बात करने वाले हैं नंबर 1 टीम के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं गिव अवे के बारे में सुनते जाइए। तो गाइस गिव अवे में आपको करना क्या है, अगर आप भी इनके तहत जर्सी पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है जैसे ये भाई साहब ने किया, उसके बाद टेलीग्राम को ज्वाइन करना है जैसा ये भाई साहब ने किया। ये दो चीजें कर लेंगे उसके बाद अब मैं फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा। तो गाइस क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इजी क्वेश्चन है कि आज जो है हार्दिक पांड्या कितने रन बनाएंगे। हाँ गाइस आज जो कि राजस्थान और गुजरात का मैच है वहां पे हार्दिक पांड्या कितना रन बनाएंगे, 3 का डिफरेंस देना है, यानी 3 से 6 बनाएंगे, 50 से 53 बनाएंगे, 40 से 43 बनाएंगे। 3 का डिफरेंस दे के आपको बताना है कि इतने के बीच में बना सकते हैं। और जिनका सही हो गया सबसे पहले उन्होंने अगर कहा और उनका सही हो गया उनसे मैं कॉन्टेक्ट डिटेल उनके ले लूंगा और उनके पास भी जल्द से जल्द जर्सी पहुंच जाएगी। तो भाई फाइनल बात करने वाले अगले बात के बारे में हो गए, जो पहली टीम है वो है गुजरात टाइटंस। हाँ गाइस 9 मुकाबले खेले हैं, 6 जीते हैं, 3 हारे हैं, +0.5 का इनका नेट रन रेट है, 12 पॉइंट इनके हैं। और गाइस इनके जो पहुंचने के चांसेस हैं वो है 84%। हाँ गाइस 84% चांस है कि इनके पहुंचने के, यानी कि ये लगभग क्वालिफाई कर लिए हैं, सिर्फ इन्हें मुकाबले जीतने चले जाने हैं, आराम से ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और गाइस ये है वो 10 टीमों के सिनेरियो जो कि पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं कितने परसेंटेज चांस है। सो गाइस फाइनली आप बताएगा कि कौन सी टॉप 4 टीमें हैं जो कि पहुंच जाएंगी, आपकी अपनी जो राय कमेंट जो कमेंट करेगा। और गाइस यहां पे मेरी रियल टाइम की टीम भी देख लीजिएगा और गाइस चैनल सब्सक्राइब करिए, गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो फिलहाल एंड करते हैं अपने एनालिसिस के साथ।